अपने दिमाग की पूरी शक्ति यानी कि अपने दिमाग का 100% यूज करना शुरू कर दे तो वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक देखिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% भाग यूज कर सकते हैं, जैसा कि एक मूवी में भी दिखाया गया है और साइंटिस्ट भी अब तक ऐसा ही मानते हैं। और अगर 10% भाग को यूज करने से हम इतना काम कर सकते हैं तो 100% से क्या होगा? एक 3 पेज के मैथ प्रॉब्लम को 1 सेकंड में सॉल्व करना या फिर बड़े बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैलकुलेटर से पहले ही अपने दिमाग में सॉल्व कर देना या फिर अपने दिमाग की शक्ति से अपनी कंपनी को 1 दिन में विश्व का सबसे बड़ा कंपनी बना देना। लेकिन दोस्तों, रियलिटी पूरी उल्टी होगी। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। ब्रेन का वेट हमारे बॉडी के फुल वेट का 3% है, लेकिन ब्रेन हमारे बॉडी का 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। मतलब दोस्तों, अभी जब हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ब्रेन को हमारे बॉडी का 20% एनर्जी और एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। तो ये तो यही साबित हो रहा है कि 100% यूसेज पर ब्रेन हमारे बॉडी में बहुत कुछ गड़बड़ करेगा। क्या क्या गड़बड़ी होगी हमारे बॉडी में, वो भी बहुत मजेदार है। तो जब हम अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करेंगे तब हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट तरह के हार्मोन जैसे कि एंगर, सैडनेस, हैप्पी, गुड, बैड सारे एक साथ प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो ये तो हमारे बॉडी का बैलेंस पहले ही बिगाड़ देगा। ब्रेन की फुल कैपेसिटी पर वर्क करने पर हम अपने अगल बगल की बहुत ही छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देने लगेंगे। हम अगर किसी चीज को स्मेल करेंगे तो उसकी स्मेल हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगी। किसी चीज को सुनेंगे तो वो भी हमारे दिमाग में पूरे समय रहेगी। हमारी सारी मेमोरीज एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास्ट के सभी अनुभव हमारे आंखों के सामने आने लगेंगे। और दोस्तों, सबसे अजीब होगा कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के सारे पार्ट को एक साथ कंट्रोल करने लगेगा। मतलब हमारे सारे मसल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे और पूर्ण रूप से बोले तो हमारा बॉडी एक कबाड़ खाना बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ब्रेन का फुल कैपेसिटी पर यूज करना बहुत ही गलत होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंसिक्वेंसेस मैंने आपको बताए हैं वो होगा ही। ये सिर्फ धारणाएं हैं, अभी साइंटिस्ट का रिसर्च इस पे चल ही रहा है। और एक और जरूरी बात है कि ऐसा जो माना जाता है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं वो भी जरूरी बात नहीं है, और ये एक तरह का अर्बन लेजेंड या अर्बन मिथ है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन सबसे पावरफुल और सबसे डेवलप्ड ब्रेन है। तो इसके फुल कैपेसिटी पर वर्क करने पर क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा भी हो सकता है कि हम घर में बैठे बैठे टाइम मशीन बना दें और कहीं बहुत सारी शक्तियां जो कि हम सुपर हीरो मूवीज और साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं वो भी हमारे पास आ जाएं। मतलब दोस्तों, ब्रेन के 100% यूसेज पर कमाल तो बहुत होगा, लेकिन साथ में एक बात है, अभी के समय में नॉर्मली हमारा ब्रेन बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में सोचता है जो मैटर नहीं करती, मतलब जो बिल्कुल यूजलेस रहती है। तो अगर ब्रेन 100% वर्क करे और तब हमारा दिमाग ऐसी ऐसी बातों के बारे में सोचे तो हम ठीक से रह पाएंगे क्या? लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों होता है। तो एक तरफ तो ये होगा कि ब्रेन के 100% वर्क करने पर हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। लेकिन उसी के दूसरे साइड हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी और कहीं हमारे बॉडी उतने पावर को सह भी नहीं पाए, तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, अंत में कंक्लूड करें तो एक बात माननी पड़ेगी, जितना पावर हमें अब तक मिला है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। इतने ही पावर पर ह्यूमन बीइंग्स बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमारे लिए भी यही ठीक होगा कि हम इतने ही पावर को पूरी तरह से यूज करें। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि और ऐसी रहस्यमय साइंटिफिक और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही एक और ऐसी ही वीडियो लेके वापस आएंगे।